अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी और मैं हूं बाबर अनायत। हमारे माशरे में शादियां कम और तजारत ज़्यादा होती है। अलमिया ये है कि रंगत, शक्ल, अकल, ज़ात पात, पैसा, दर्जा, ख़ानदान, लबास और ताकत को इग्नोर करके मोहब्बत तो की जा सकती है लेकिन शादी नहीं। लाहासिल इश्क को पाने की आरजू करना आंधियों में दिया जलाने जैसा है। मोहब्बत करो, शर्माओ नहीं, क्योंकि मोहब्बत करना फ़न है और तुम एक शाहकार हो। मोहब्बत ये भी नहीं कहती कि जब कोई पूरी तरह से तुम्हारा हो जाए तो तुम उसे अपनी जागीर समझकर जलील करके रख दो। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। ज़हनी सुकून तबाह करने वाले बरवक्त किनारा कर लेना ही अक्लमंदी है। जिस ख़ास के लिए आप ख़ास नहीं, उसे आम कर दीजिए। जिस औरत में ये दो निशानियाँ हैं तो समझ लेना कि वो बेवफा और धोखेबाज है। पहली निशानी ये है कि उसे मोहब्बत की नहीं बल्कि पैसों की लालच होगी। दूसरी निशानी है वो आपको वक्त बहुत कम देगी और आपके वक्त ना देने पर कभी नाराज़ नहीं होगी। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दें। यकीन करें, दोनों रिश्तों को आग लग जाएगी। ये ख़ुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास है कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता है, आपकी फ़िक्र करता है, आपकी याद उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान बिखेर देती है। दिल में जो लोग हैं एक तरतीब में सबसे पहले सबसे आखिर में भुलाने के लिए रखे हैं। हम अपनी खुशफहमी को आगही कहते हैं और दूसरों की आगही को गलत फहमी। ताज्जुब है कि यौम हिसाब से पहले हम एक दूसरे की आकत ख़राब करने में मसरूफ़ हैं। हम खुद को जन्नत का मक्की समझते हैं और दूसरों को दोजक का ईंधन, हालांकि मामला इसके बरक्स भी हो सकता है। मर्द और औरत में मोहब्बत सिर्फ दलाली का काम करती है। मर्द को अगर जिस्म की हवस हो तो वो मोहब्बत करके जिस्म की हवस पूरी करता है, और अगर औरत को पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी मोहब्बत के ज़रिए सौदेबाजी करती है। गुलाब लम्हों के मखमल पर खेलते बचपन पलट गया, तुझसे शरारतें मांगूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।